अरे चेला माता जी जल्दी बना। हाँ हाँ जल्दी बनाते माता जी, आप खाएंगे? खाएंगे कई चकरा के गिर जाएंगे तब तो संभाल लेगा ना। नहीं गिरेंगे। ला 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 दिखते हैं, थोड़ा सा खाते, थोड़ा सा ही खाना, ज्यादा नहीं। अचेला एक बात बोल। हाँ माता जी बोलिए। जो कोई काम धंधा करता नहीं है। क्या काम धंधा करते है? आप भी कहते तो सारा दिन काम करते है हम। हटा महका रहा है, इश हर दिन खाली बैठ जाता है ऐसा ऐसा करने के लिए, और कोई काम मिलता नहीं इसको। देखो माता जी, मेरा काम ही ऐसा 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 करना है दिन। अरे चट्टा यही तो करता है, यानी जाए कानी सबको खोज खाज के लाए गांव मोहल्ला में जा जाके, वो नहीं जाएगा खोजने के लिए। माता जी सबर करिए, कानी आएगा। आएगा कहाँ आ रहा है? आएगा, तू हमको दे रहा है। हाँ। हम गिर जाएंगे, पकड़। नहीं खाना है तो मत खाइए, तेरे जैसा है क्या? बकवास, हम कुछ भी खाएंगे। हम माता जी है, शुद्ध माता जी है। क्या करनी आ रही है उधर? देखिए चुपका गिर कर आराम से बैठ। प्रणाम माता रानी। खुश बैठ। तो कहाँ से आई हो? बगल वाले गांव से आई हूँ। आराम से बैठने के लिए पढ़ाई चलता। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत अच्छी नाम है। क्यों आई हो बेटी? बहुत बड़ी परेशानी लेके आई हूँ। क्या परेशानी है बोलो? मेरे पति मेरे वश में नहीं है। तुम्हारे पति तुम्हारे वश में नहीं है? नहीं, मतलब नहीं समझे, ठीक से बोलो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मेरे देवरानी के पास हमेशा रहते हैं। ओहो। हाँ। अरे चुट्टा इधर आ, इधर आ। बंदर के जैसा हुल 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 करने के लिए जहाँ कालनी को देखेगा आके फोड़ देंगे, नोची लेंगे एक दिन। शांति से बैठ, बात कर रही है और हुल हुल किया जा रहा है। निकल। ओहो तुम्हारा पति तुम्हारा देवरानी के साथ रहता है, मतलब वो जो बोलता है वही सुनता है? सब बस उसी का बात सुनते हैं, मेरा बात कभी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है बच्चा, तुम नहीं टेंशन लो, तुम मेरे पास आ गई हो ना माता के पास, और मैं माँ भवानी की भक्त हूँ। तू नहीं सुधरेगा, तुझको मैं यहाँ से निकाल दूंगी। देखो माता जी उसके डराएंगे। छिछाते रहना रोड पे, बहू आते रहना। शांति से बैठ। हाँ तू बैठ चुपचाप, पहले मेरे से बात करने दे मुझे। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? तुम टेंशन नहीं करो, तुम्हारा पति को हम तुम्हारा बस में कर देंगे, तुम जो बोलोगे वही करेगा, तुम जैसे बोलोगे वैसे करेगा, तुम्हारा हर बात सुनेगा। तो बच्ची उसके लिए मुझे होम जाप करना पड़ेगा, और होम जाप करने के लिए जो खर्चा होगा तुमको देना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? खर्चा? हाँ खर्चा तो करना पड़ेगा होम जाप करने के लिए। अरे माता रानी अभी तो आपको बताई मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, तो पैसे मुझे खाक देंगे। पैसा ही नहीं लेके आई है माता जी, छोड़िए ना पैसा पैसा। अच्छा तो कुछ भी तो लाई हो ना? आपको कुछ दिख रहा है मेरे पास? तो होम जाप क्या चीज से करे? होम जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसमें खर्चा होगा, तब जाके तुम्हारा पति तुम्हारा बात सुनेगा, तुम्हारे पास आएगा। ऐसे थोड़ी कर देंगे, और हम अपना घर से थोड़ी लगाएंगे पैसा। माता रानी कुछ दूसरा उपाय है तो बता दीजिए, पैसा तो मेरे पास एक रुपए भी नहीं है पास में। माता जी क्या चीज का है ये? तो लगता है सोना का चूड़ी है। हाँ ये क्या कर रहे हैं? तो ये मुझे दे दो, हम तुम्हारा होम जाप कर देंगे। इतना महंगा सोना का चूड़ी मैं आपको कैसे दे दूँ? महंगा है? अरे तुम्हारा पति से ज्यादा महंगा है ये। तुमको तुम्हारा पति चाहिए क्या? ये चाहिए? तुम्हारा पति अगर आ जाएगा तुम्हारा बस में तो ऐसा ऐसा चूड़ी तुम बहुत बना लोगे, लेकिन हम जो पूजा करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए, हम घर से थोड़ी लगाएंगे। अगर तुम राजी हो तो ये उतार के हमको दे दो, हम हो जब कर देते हैं, तब तुम आराम से चले जाना, खुशी खुशी जिंदगी जियो अपने पति के साथ। आप सोच लो बच्ची तुम क्या करोगे। बात तो सही है, तो दो जल्दी से, क्योंकि हमको सामान सब लाना है।
माता जी जिंदगी में तो आपने बहुत पैसा कमा लिया ना, बहुत लूट लिया, आप इनको छोड़ दीजिए ना, हमको भूख लगने की दीजिए ना। हट, हम खाली भूख लगाएंगे। पागल, इतना उतना सारा चूड़ी मिल रहा है, अब तो माला माल हो गए आज। चुपट, चूड़ी मिल रहा है। माता जी, इससे थोड़ी ना होगा। अरे चुपटा, चुप कर, मुंह बंद रख। तुझे क्या पता सोना का कीमत? अरे ये सोना से तो माला माल हो जाएंगे, तू मुंह बंद रख। माता जी, हमको माला माल नहीं होना है, हमको तो सिर्फ भोग लगाने का मतलब है। माता जी, आप रानी को ये कहिए जो इतना सा सोना से नहीं होगा, चिरा के साथ आपको भोग लगाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा पति तुम्हारे हो जाएगा, चोरी भी मिलेगा और मेरा भोग लगाना भी हो जाएगा। माता जी, अरे छोटा, तू तो हर टाइम खाली यही बात बोलता रहता है, पागल हो गए हैं तेरे चक्कर में। पागल तो हम हो गए हैं माता जी, वैसे भी बहुत दिन से हम भोग नहीं लगाया, क्या करें। रुक, हम देखते हैं कुछ करते हैं। बच्ची है? तुमको थोड़ा झाड़ फूक करना होगा। झाड़ फूक? हाँ, पर... क्या है ना, तुम्हारी देवरानी तुमको भी कुछ कर दी है, इसीलिए तुम्हारा पति तुमको देखना नहीं चाहता। तुमको झाड़ फूक कर देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा, तुमको देखने लगेगा, तुम्हारा बात सुनने लगेगा। ठीक है? हाँ। तुम एक काम करो, मेरा चेला के साथ जाओ, मेरा चेला जाके झाड़ फूक कर देगा। पर माता रानी, झाड़ फूक तो आप करते हो ना? नहीं, झाड़ फूक मेरा चेला ही करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं। बात सही है, झाड़ फूक हम ही करते हैं। जाओ, ये झाड़ देगा तुमको, तो चले जाना। ठीक है, जाओ झाड़ फूक कर देना अच्छा से। हाँ, तुम चले जाना, आप बच्ची चिंता मत कीजिएगा, हम झाड़ फूक अच्छी तरह से कर देंगे। हाँ, जाओ जल्दी से। हम है माता रानी, हमको तो बस खाली पैसा चाहिए, सोना चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। बच्चा, हाँ पापा, तुम अपना कपड़ा उतार दो। ये क्या बोल रहे हैं पापा? देखो बच्चा, झाड़ फूक करना होगा। झाड़ फूक करने के लिए कपड़ा उतारना पड़ेगा? हाँ बच्चा। पर बाबा, ऐसे मेरा समस्या दूर हो जाएगा ना? देखो बच्चा, तुम चिंता मत करो, एकदम तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा। देखो बच्चा, हमारे साथ बोलना ठीक है मंत्र? हाँ। गिली गिली, गिली गिली, चुली चुली, चुली चुली, पुली पुली, पुली पुली, मुली मुली, मुली मुली।